तो ये वीडियो होगा पार्ट थ्री, ठीक है। अपनी कोर्स का पार्ट थ्री होगा और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, सच एज मार्केट स्ट्रक्चर प्लस डायरेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको वो भी समझाऊंगा, फिर आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो भी समझाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से, और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे अपना सेशन भी करूंगा एज ऑलवेज, ठीक है। जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे यहाँ पे करेंट में मेरे को पुट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ठीक है मैंने दो ट्रेड ले ली पुट डायरेक्शन के लिए। देखो जैसे जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता जाएगा मैं अपना सेशन भी करता जाऊंगा, साथ ही साथ अपना ट्रेडिंग सेशन, और मैं आपको मार्केट की करंट सिचुएशन को भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी देख सकते हो एकदम चार्ट अपना क्लीन है, इसमें मैंने कोई भी लेवल्स ड्रॉ नहीं कर रखे हैं, कुछ भी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, एकदम क्लीन चार्ट है पूरा। तो यहाँ पे मैं लेवल को भी, मतलब हर एक चीज़ को ड्रॉ करके प्रॉपर करेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करूँगा, प्लस नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है मार्केट में, मैं उन चीज़ों पे भी आपको आपका फोकस डालूंगा, ठीक है। तो हम हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्ट्रक्चर प्लस डायरेक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है एक डेस्टिनेशन और डायरेक्शन होता है कि आप किस तरीके से होकर जा रहे हैं। जैसे सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ की लेवल्स ड्रॉ करने वाला हूँ, तो वो मैं ड्रॉ करता रहूँगा। आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि सपोज़ आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कैसे घूम घूम कर जा रहे हो या आप स्ट्रेट होके जा रहे हो, तो जिस तरीके से आप जाओगे वो चीज़ आपकी आइडेंटिफाई करेगी एज ए डायरेक्शन, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन हो गया वो होगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, कि मतलब हाँ यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है। बट उसके बीच में, क्योंकि मार्केट भी अपने सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है, और बहुत कम होता है जब हाईवे जैसी रास्ताएं होती है, मतलब मोमेंटम सच इज, अगर मार्केट में बात करें तो, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे की लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो मैं एक पर्टिकुलर जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये करंट वाला जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, ये एक हाईली लिक्विड जोन है। यहाँ से मार्केट अपना प्रॉपर डायरेक्शन बना रहा है, ठीक है। अभी देखो एक और कॉल के लिए मुझे ट्रेड मिल रही है, ज़बरदस्त, ठीक है। अभी देखो मैंने जो पर्टिकुलर जोन मैंने ड्रॉ किया है उसके अंदर अगर मार्केट आता, ठीक है, उसके पहले एक जॉस्ट नहीं होता मार्केट, उसके अंदर आता तो मार्केट क्या होता, थोड़ा बहुत टूटता और फिर मार्केट जो है लोअर लो हिट करने के लिए, पुट के लिए डायरेक्शन बना सकता था। बट मार्केट उस जोन के अंदर नहीं आया, जैक सेंटिमेंट में होते हुए भी मार्केट क्या हुआ कि मार्केट मेरे की लेवल के ऊपर ही क्लोज दे दिया, एग्जॉस्ट हो गया। तो यहाँ से सीधा सा नज़ारा अब होने वाला है कॉल डायरेक्शन के लिए, जो नया डायरेक्शन अभी मार्केट बनाएगा वो कॉल डायरेक्शन के लिए बनाएगा। और जैसा मैंने बताया कि जो भी मैंने पर्टिकुलर ये लेवल्स ड्रॉ कर रखे, ये की लेवल्स, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, ये हाईली प्रेशर जोन है और इसके अंदर अच्छी खासी लिक्विडिटी है, जो मैंने लिक्विड जोन ड्रॉ किया है तो उसी के ऊपर मार्केट रह गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर यहाँ से मार्केट ने जनरेट की है। तो अभी जो डायरेक्शन होगा कॉल के लिए होगा, और मार्केट जिस फॉर्मेशन में होते हुए जाने की कोशिश कर रहा है वो मेरे को दिख रहा है मोमेंटम का, ठीक है। तो अगर करेंट वाली भी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो मार्केट जो है 100% मोमेंटम के फॉर्म में मार्केट जो है जाएगा, और जो करंट वाली लेवल मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, मार्केट पॉसिबली इस एरिया तक, मतलब इस लेवल तक जाएगा। अगर मार्केट जो मैंने टॉप का लेवल ड्रॉ किया है मार्केट अगर उसको टच करके ब्रेक करता है तो मार्केट फिर उस लेवल के ऊपर रेंज करना स्टार्ट करेगा या नया डायरेक्शन बनाएगा। बट मार्केट अगर उस लेवल के नीचे ही जाके एग्जॉस्ट होके क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट अगेन इसी के अंदर रेंज करेगा, जैसे कि ये फ्लैट रेंज कर रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे मेरा एक्सपायरी हो चुका है 2 मिनट का पॉकेट ऑप्शन में, कभी कभी ऐसा होता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि 2 मिनट का मेरा एक्सपायरी जाएगा डिफ़ॉल्ट में ही। तो यहाँ पे मेरी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने वाली हैं, क्योंकि मैं कैंडल बाई कैंडल ट्रेड करने वाला था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, ये कभी कभी पॉकेट ऑप्शन में हो जाता है, 2 मिनट के डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि फिर 2 कैंडल पे आपकी एक ट्रेड ख़त्म होगी,
बट कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम का रूप लिया है और मार्केट इसी तरह से जाएगा। अभी करेंट में आप अगर एक लेवल फाइंड करोगे इधर और सोचोगे रिवर्सल बन जाएगा, बट तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट पे मैं ट्रेड लेने वाला अभी हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए, और मार्केट में ग्रीन कैंडल ही बनेगी, ठीक है। जो टॉप का लेवल मैंने ड्रॉ किया है मार्केट उधर तक जाएगा, फॉर श्योर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड ले ली कॉल डायरेक्शन के लिए, सारी $500 की ट्रेड है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं होने वाला, और अभी जब कैंडल नीचे की तरफ आ रही है कोई बात नहीं, ये देखना हाईली प्रेशर के साथ में ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मार्केट अभी मोमेंटम के फॉर्म में ही टॉप के लेवल तक जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो। देखो, बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो एसोसिएटेड होता है प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो के साथ में, ठीक है। अगर आप इन दो चीज़ों को समझो तो आपको स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के एक दो तरीके, मतलब दो तीन तरीके मैं बता देता हूँ जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, आप लॉन्गर टाइम में आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर ले और उसके बाद में आपको ट्रेंड या स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा कि आप पैटर्न्स को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप पैटर्न्स को एनालिसिस कर सकते हैं। पैटर्न से मेरा मतलब वो नहीं जो आप लोग किताबों में सीखते हैं देखते हैं, वैसा कुछ नहीं। मार्केट की करंट सिचुएशन में जो फॉर्मेशन हो रहा हो, जो सेंटिमेंट फॉलो हो रहा हो, उस हिसाब से, उसके हाई एंड लो के हिसाब से आप उसके स्ट्रक्चर और डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन तो आपको जोन से ही पता चलेगा, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं पैटर्न से जो करेंट सिचुएशन में बन रहे हो, ठीक है, उन सेंटिमेंट को फाइंड करके। और थर्ड जो सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैंने अभी अभी यूज़ भी किया है, आपके सामने ही यूज़ किया है, प्रैक्टिकली यूज़ किया है, ठीक है, करके दिखाया है, वो है वॉल्यूम एंड ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। ये थर्ड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको की लेवल्स फाइंड करने होते हैं, साथ ही साथ में ये देखो करेंट में क्या हुआ, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आ सकती है फॉर श्योर, ठीक है। जो पीछे ग्रीन कैंडल बनी है ना, मतलब बड़ी सी ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसमें क्या हुआ, पावर बूस्ट हुई और फिर एग्जॉस्ट हो गई, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आ सकती है, ठीक है, मतलब रिवर्सल कैंडल फॉर श्योर। यहाँ पे एक रिवर्सल ये देखो बन भी रही है, बट एक दो ग्रीन कैंडल अभी और आएंगी, बट इस सेलर्स को हम एग्जॉस्ट होने देते हैं तब तक। और देखो, मतलब अपने टॉप के लेवल से मार्केट पहले एग्जॉस्ट हो गया, तो इसका सीधा से मतलब है मार्केट अभी थोड़ा बहुत अभी अपर साइड में शायद रेंज करे, या इसी जोन के, इसी मतलब इसी जिग जैग के सेंटिमेंट का जो एरिया इसने बना रखा है, रेंज का एरिया, ठीक है, हो सकता है इसी में अभी रेंज करे, क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया अभी ऊपर का लेवल, ठीक है। मेरा 2 मिनट का एक्सपायरी है, तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ा करंट वाली कैंडल को देख लेता हूँ। ये मेरे हिसाब से एक स्मॉल रेड बननी चाहिए, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाली कैंडल होगी वो फॉर श्योर 100% ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। तो वैसे भी मेरा एक्सपायरी डिफ़ॉल्ट में ही 2 मिनट का है, तो मैं इंट्री लेने का सोचूंगा इसी कैंडल पे, देखते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से एक स्मॉल रेडी बननी चाहिए, 100% बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एंट्री लेने वाला हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल होगी जिस पे मेरा मतलब एक्सपायरी ख़त्म होगा ट्रेड का, वो तो फॉर श्योर 100% एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया कि आप वॉल्यूम एंड ऑर्डर फ्लो का जो एनालिसिस करोगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको की लेवल्स फाइंड करने पड़ेंगे, सच एज सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है, ये लेवल्स हाईली प्रेशर जो प्रेशर लेवल, यहाँ पे हाईली बाइंग प्रेशर हो या सेलिंग प्रेशर हो, ठीक है, आपको की लेवल्स ये फाइंड करने पड़ेंगे, और हाईली लिक्विड जोन भी फाइंड करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले किया, ठीक है। जहाँ पे क्या हो कि एक नई पावर जनरेट हो रही हो, ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको एनालिसिस करोगे, आप ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई लेवल लगा देते हो,
ऐसे नहीं रैंडमली कोई लेवल नहीं लगाना है आपको, की लेवल्स फाइंड करना है जहाँ पे एक्चुअली में बाइंग या सेलिंग प्रेशर हाई हो, ठीक है, या जोन एक, या अगर एक पर्टिकुलर जोन भी आप फाइंड कर रहे हो तो वो एक हाईली इफेक्टिव जोन होना चाहिए जहाँ से मार्केट एक नई पावर जनरेट कर रहा हो, तभी जाके आपको नया डायरेक्शन और स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट का पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप टेक्निकली बहुत फोकस्ड हो तो आप थर्ड पॉइंट को यूज़ करो। फर्स्ट और सेकंड तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, बट थर्ड वाला थोड़ा सा टेक्निकली है, तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताना, इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई कि कैसे आप की लेवल्स फाइंड कर सकते हो और या आप हाईली लिक्विड जोन को फाइंड कर सकते हो जहाँ पे मार्केट एक नई पावर जनरेट करके एक नया डायरेक्शन बनाता है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको वो सब चीज़ें समझ आई होंगी जो भी मैंने बताई, और अगर की लेवल्स फाइंड करने पे आपको वीडियो चाहिए तो उस पर भी मैं बना दूंगा। धीरे धीरे आगे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप बेसिक में हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझो तो ही आपका बेसिक क्लियर होगा, तो ही आपका प्रोसेस क्लियर होगा, ठीक है। बेसिक के साथ में जब आप चलोगे तो ही आपका प्रोसेस क्लियर होगा, ठीक है ना। और अपना सेशन भी हो चुका, $30,000 का अपना बैलेंस भी हो चुका, और साथ ही साथ में जो भी लोग देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।